अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? मैंने ये सोचा है कि हमारा जो फूड ब्लॉग है फूड एक्सप्लोरर के नाम से, तो उसके बिहाइंड द कैमरा हमारे साथ क्या क्या मुश्किल और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या स्ट्रगल हमारी होती है, तो वो रूटीन भी मैं आप लोगों को बताऊँगा ताकि जो लोग ब्लॉग बनाना चाहते हैं उनको ज़रा गाइडेंस मिले, पता भी चले कि किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है। तो आज मेरा व्लॉग है, मैं जा रहा हूँ लियाकताबाद और वहाँ पर एक सेटअप है कादरी कैटरिंग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खाने बनाता है, कैटरिंग भी है उसकी और डाइन इन भी है। तो आज हम वहाँ चलेंगे और रास्ते में आपको गाइड बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। मैं पहुंच गया हूं उधर कादरी कैटरिंग और ता भाई ने चूँकि गुलशन इकबाल से आना होता है तो वो थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा सा देर से आएंगे, तो मैं जब तक अंदर चलता हूं और मुलाकात करते हैं कादरी साहब से। अच्छा जी, ता भाई भी आ गए हैं और मैं इनका इंतज़ार कर रहा था। अब थोड़ी देर में हम जो है एक मीटिंग करेंगे खालिद साहब के साथ, जो यहाँ के ऑनर हैं कादरी के, और उसके बाद अपना व्लॉग शुरू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? करियर है, ठीक है, सही पहुंच गए। तो बड़ी वीआईपी जगह है भाई, वीआईपी जगह है, जबरदस्त मेन रोड है। कराची के मैच आप थोड़ा शेड्यूल गलत हो गया आपका। अच्छा, आपको अवामी के साथ ही मिल जाती। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तेरा साथ ही दीवार व्लॉग जो है वो हमने बना लिया है, फूड व्लॉग, और काफ़ी अच्छी जो है वो एंडिंग हो गई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर पराठे थे जो हमने ताऊ भाई को जो है वो अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। ताऊ भाई देर हो गई है बहुत, ताऊ भाई आप निकलें, मैं ज़रा व्यूअर्स से कुछ और मैं बात करूँगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, फूड व्लॉग में सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि जनाब आप जिस होटल पर जा रहे हैं या जिस जगह पे आप जा रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए, थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि जी वहाँ पर आपको कॉपरेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कॉपरेशन मिल जाती है तो आपको समझ लें कि आपका जो मोरल है बहुत ज़्यादा अप होता है, लेकिन अगर कॉपरेशन नहीं मिले और लोग जो है बस आपको कटाने वाली बात करें तो फिर मज़ा नहीं आता और एक तरह से मोटिवेशन भी डाउन होती है। कादरी बिरयानी के जो ओनर हैं खालिद साहब, उन्होंने खुद रब्ता किया था और कहा था कि हमसे व्लॉग बनाए, तो ऐसे में कोई रब्ता करे ना आपसे तो मोरल बहुत ज़्यादा हाई होता है और मोटिवेशन भी आई हुई होती है। तो इस दफ़ा व्लॉग हमारा अच्छा बन गया, अच्छा जो है वो एंटरटेन किया खालिद साहब ने, और हमने भी एक तरह से दिल के साथ जो है ना दिल से व्लॉग किया उनका। और ये सारे व्लॉग हमारे जो है नॉन पेड होते हैं, कोई पेमेंट हम नहीं लेते। और सारे वैरायटीज़ उन्होंने रखी हैं हमारे सामने पराठों की, तरह तरह के पराठे थे इसमें, चीज़ पराठा था, कीमा पराठा था, बारबेक्यू पराठा था, और इसी तरह मलाई पराठा था, जो कि एक नई और अच्छी जो है उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया है खाने में। बिरयानी वहाँ पे नॉर्मली मिल रही थी और बिरयानी भी वहाँ पर मौजूद थी, इसी तरह चाय की बहुत ज़्यादा रेंज थी वहाँ पर।
तो चाय भी चॉकलेट चाय, मैंगो चाय और कश्मीरी चाय, नॉर्मल चाय, कहवा, ये सारा वहाँ पर मौजूद था, जो कि अच्छी रेंज थी चाय पराठे के लिहाज से। और एक नया आइडिया लेकर आए खालिद साहब, जो कि बहुत ही अच्छा था। भी इस तरह के व्लॉग बनाएं तो कोशिश करें कि रोशनी जो है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोशनी ठीक नहीं होगी तो आपकी जो वीडियो है वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं आएगी, और कुछ लाइट की कमी की वजह से शायद जो खाना आप जो दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं वो सही तरह से लोग देख नहीं पाएंगे, तो फिर वो क्वालिटी में फिर मज़ा भी नहीं आएगा, लोग फिर लाइक भी नहीं करेंगे उसको। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें। आज के दिन जो है वो हम एक ही व्लॉग बना पाए, जो कि कादरी का जो व्लॉग था वही बना पाए, और बाकी हमें टाइम नहीं मिला। उमन कोशिश हमारी ये होती है कि हम एक दिन अगर निकलें तो कम से कम दो व्लॉग जो है वो लाजमी बना दें, तो आज एक ही बना सके। ता भाई जो है वो बनाने के बाद रवाना हो गए हैं, अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ, और घर निकलने के बाद आपसे फिर बात करते हैं। जी घर पहुँच गया हूँ मैं, और आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग जो है वो कम्प्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, मेरे व्लॉग्स के हवाले से जो भी आपको सवाल हो वो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलने से पहले आपको मैं जो व्लॉग्स के ब्लूपर्स हैं वो दिखाता हूँ, आप ब्लूपर्स के मज़े लीजिए, और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।